वेलकम बैक इन अनदर इंस्पायरिंग एंड सेल्फ हेल्प वीडियो। मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर हैं तो आप जानते होंगे कि मैं प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेकर आती हूं, और मेरे सॉल्यूशन कुछ प्रैक्टिकल होते हैं और कुछ मैजिकल टेक्निक इन्वॉल्व होती है उसमें, इसलिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सके और जल्दी मिल सके। आज का ये वीडियो होने वाला है होपनोपो पर। वैसे मैंने कई और शॉर्ट्स भी होपनोपो पर बनाए हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें एक साथ लेकर आई हूँ। आपको होपनोपो से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जैसे कि होपनोपो का मीनिंग, उसकी हिस्टोरिकल स्टोरी, होपनोपो को क्यों और कैसे यूज़ करना चाहिए बेटर रिजल्ट्स के लिए, इससे यूज़ करने से आप कैसे हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और मनी सभी एस्पेक्ट को अलाइन कर पाएंगे और उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। What do you mean by होपनोपनो? इस वर्ड का मतलब होता है टू मेक थिंग्स राइट, यानी कि चीज़ों को सही करना। चीज़ों को सही कैसे करेंगे? ऐसा नहीं कि आज से अगर आप रियलाइज कर पाएंगे कि इस चीज़ के बारे में मैं गलत सोच रहा था अभी तक, इसीलिए मेरे लाइफ में ये नहीं आ रही थी, सो आप आज से सोचें कि मैं अपनी सोच को बदल दूंगा, आज से ऐसा नहीं सोचूंगा। लेकिन इस सोच को बदलने से पहले आपको अपनी पूरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी माननी होगी कि आपने खुद ये थॉट्स क्रिएट किए हैं जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नेगेटिव मिला है या मिला ही नहीं है। सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि आप विश करते हैं कोई कार खरीदने का, और एक्चुअल में जब भी आप वो कार देखते हैं या फिर किसी के पास देखते हैं तो उनके लिए, उस कार के लिए आपके मन में कुछ थोड़ी बहुत ही सही जेलेसी ज़रूर फील होती है कि क्यों इनके पास ये कार है, मेरे पास कब आएगी, मैं कब खरीद पाऊंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आप इनडायरेक्टली उस कार को, गोल को और उस पर्सन को नेगेटिविटी भेज रहे हैं। अगर आप अपने थॉट से नेगेटिव भेज रहे हैं तो आपके पास पॉजिटिव कैसे आ सकता है? सो आपको ये नेगेटिव थॉट्स को अपनी लाइफ से हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए क्लियर करने की ज़रूरत है अगर आप अपनी लाइफ में खुशी और पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहते हैं, सक्सेसफुल लाइफ चाहते हैं। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है होपनोपो हीलिंग का। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। अगर आप इस टेक्निक के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ एक कॉल बुक कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म को फिल करके। नाउ लेट्स मूव फर्दर। आई विल टेल यू होपनोपो के पीछे हिस्ट्री क्या है। हवाइन आइलैंड तो आपने सुना होगा, ये बहुत पुराना आइलैंड है यूनाइटेड स्टेट्स का। वहाँ के जो ट्राइबल थे उन लोगों का ये मानना था कि अगर घर में कोई बीमार पड़ता था या किसी के साथ कुछ भी मिसहैपनिंग होती थी तो दे बिलीव कि उस पर्सन ने किसी ना किसी लिविंग बीइंग के साथ जाने या अनजाने में कुछ नेगेटिव किया है या नेगेटिव थॉट्स क्रिएट किए हैं जिसके रिजल्ट में उनके साथ खुद नेगेटिव हो रहा है। सो होपनोपो प्रेयर पहले की जाती थी ताकि नेगेटिविटी क्लियर हो सके और मेडिसिन का या जो भी वो उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं उसका असर हो सके। सो ये तो थी एंशियंट स्टोरी। इसके बाद एक बहुत ही फेमस स्टोरी है डॉक्टर ह्यूलिन, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे, उनकी रियल स्टोरी। डॉक्टर ह्यूलिन को एक मेंटल असाइलम में पोस्ट दी गई। वहां पर उनको बहुत सारे मेंटली इल पेशेंट्स को ट्रीट करना था जो कि क्रिमिनल थे। सो उनकी मेंटल स्टेट बहुत ही खराब थी, इतनी खराब थी वहाँ के लोग अपने आप को और दूसरों को हर्ट करते थे। उस हॉस्पिटल में कोई भी मेडिकल स्टाफ नहीं रुकना चाहता था। सो डॉक्टर ह्यूलिन को वहाँ बुलाया गया और उनको ट्रीट करने के लिए कहा गया। बट द मैजिक इज डॉक्टर ह्यूलिन ने वहाँ पर किसी को भी देखा नहीं, किसी से वो नहीं मिले, और पेशेंट्स की फाइल को लेकर उन्होंने उन्हें ट्रीट किया बाय दिस मैजिकल होपनोपनो टेक्निक। सो उन्होंने हर पेशेंट के लिए प्रे किया। डॉक्टर ह्यूलिन ने जब ट्रीटमेंट शुरू किया तो डायरेक्टली पेशेंट्स को कुछ नहीं कहा, उन्होंने अपनी फीलिंग को क्योर किया। मींस उन्होंने पहले अपने आप को हील किया, जो फीलिंग नेगेटिव जनरेट हो रही थी उनकी, उन पेशेंट्स के लिए, उन क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड्स को देखते हुए उन्होंने उस फीलिंग को हील किया, उस नेगेटिविटी को क्लियर आउट किया, ताकि वो और वो जो पेशेंट है वो सबकॉन्शियस लेवल पर एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। जब ये नेगेटिव फीलिंग उनकी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हुई तो वही पहुंची सबकॉन्शियसली उन पेशेंट्स के पास और वो बेटर होने लग गए। ऐसा कहा जाता है कि इन अ ईयर्स टाइम वो मेंटल असाइलम बंद हो गया, सभी मेंटली इल पेशेंट्स ठीक होकर अपने घर चले गए। सो इजंट इट मैजिकल। जब इतनी बड़ी क्राइसिस उससे ठीक की जा सकती है
तो क्या हम अपनी लाइफ की छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन इससे नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। व्हाट ऑल यू नीड इज जस्ट योर होल हार्टेडली प्रेयर। आपको अपने मन से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मेरी लाइफ में जो भी क्रिएट हो रहा है वो मेरे खुद के थॉट्स की वजह से क्रिएट हो रहा है, सामने वाले के किसी एक्शन से क्रिएट नहीं हो रहा। उसके एक्शन की वजह से ट्रिगर मेरे अंदर हो रहा है, मेरे थॉट्स ऐसे क्रिएट हो रहे हैं और मेरी वजह से नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है और वो मुझे ही नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही है। सिंपल प्रोसेस है, बस उसे जरूरत है सही तरीके से समझने की और इसे फुल बिलीव और रिस्पॉन्सिबिलिटी से फॉलो करने की। ये प्रेयर आप करके देखेंगे, आप किसी एक चीज के लिए ट्राई करिए, आई इंसिस्ट। उसके बाद आप खुद इस प्रेयर के मैजिक से इतने इम्प्रेस होंगे कि आप हमेशा इस प्रेयर को हर दिन करना चाहेंगे। और जो लोग इस प्रेयर को करना शुरू कर देते हैं, आई डोंट थिंक कि वो कभी भी इसे छोड़ते हैं। ये प्रेयर मैजिकल है आपकी लाइफ को हर दिन को बेटर बनाने के लिए और सही बनाने के लिए। सो द प्रेयर इज इन द डिस्क्रिप्शन और मैं भी आपके साथ एक बार होपनोपो करूंगी। आप जहां पर भी हैं कोशिश करिए मेरे साथ करने का, और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन पूरे दिन के लिए इसे मन में प्रे करते रहिए। आप रिजल्ट डेफिनेटली देखेंगे, कुछ ना कुछ चेंज आपको मिल जाएगा। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको ये प्रेयर क्यों करनी चाहिए, ताकि आप नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव फीलिंग्स को खत्म कर सकें, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो। हाउ टू डू इट, लेट्स स्टार्ट दिस इन द मोस्ट जनरल फॉर्म। फोल्ड योर हैंड्स, क्लोज योर आइज एंड बो योर हेड। नाउ यू कैन रिपीट इट विद मी। टू द यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, I love you. To the universe, for doubting you always, I am sorry. Please forgive me for doubting your decisions. Thank you for always supporting me and for giving me this life. I love you for everything you do for me. Take a deep breath and release. So, tell me how you feel it. Practice this and see the magical results in your life. और अगर आपको कोई भी doubt है इससे related, just go to the Google form, fill it up and book first call free with me. I will be explaining you everything in detail. Let me tell you, आप Ho'oponopo use करके क्या कर सकते हैं। आप अपनी health better कर सकते हैं, आप अपने relationship को better बना सकते हैं। अगर marriage issue है, marriage नहीं हो रही है, आप marriage के लिए pray कर सकते हैं और आप डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स पाएंगे। और उसके बाद अगर आपको मनी इश्यूज हैं, कुछ भी पैसे की प्रॉब्लम रहती है, कहीं पैसा आपका अटका हुआ है या फिर जो आप इनकम गोल अचीव करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता हमेशा, सो उसके लिए भी आप Ho'oponopo अप्लाई करके अपना इनकम गोल पूरा कर सकते हैं। देन योर करियर प्रॉब्लम, अगर जॉब या बिजनेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, सेम आप Ho'oponopo प्रेयर कर सकते हैं उस स्पेसिफिक चीज के लिए एंड यू विल क्लियर द नेगेटिविटी एंड यू विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव रिजल्ट जो आप दिल से चाहते हैं। सो आई कैन हेल्प यू इन दैट, एज आई टोल्ड यू, सी द डिस्क्रिप्शन, रीड द डिस्क्रिप्शन केयरफुली। और अगर आप मेरे साथ सेशन करना चाहते हैं, सो देयर आर थ्री ऑप्शंस विच आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स इन द फर्स्ट फ्री कॉल। रजिस्टर फॉर द फर्स्ट फ्री कॉल विद मी थ्रू दिस गूगल फॉर्म, फिल इन योर डिटेल्स एंड सेंड इट राइट अवे। See you in the next video guys. Hope आपको इससे काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी।